तो बीटॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चिप्सर में मैं आपको हमेशा की तरह आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कल यानी कि 13 मई को एआईएफएफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग था और उस मीटिंग से क्या क्या निकल के आया है उसके बारे में। तो पहला चीज जो निकल के आया है वो ये है कि 3+1 रूल आई लीग में 2020-21 सीजन से ही लागू हो चुका है। एआईएफएफ ने एकदम ऑफिशियल घोषणा कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आई लीग के ज़्यादातर क्लब इस रूल्स के ऊपर एग्री कर दिया है, उन लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है अगर ये रूल्स आई लीग में लागू होता है तो। और उसको ही देखते हुए एआईएफएफ ने नेक्स्ट सीजन आई लीग में 2020-21 सीजन में ही 3+1 रूल को लागू कर रहा है, एकदम 100% कन्फर्म हो चुका है। और आप लोगों को अगर कुछ भी पता नहीं है 3+1 रूल क्या है, 5+1 रूल क्या है, तो उसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो आपको बनाकर ऑलरेडी दे दिया है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हो तो आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा। और इसके बाद इस मीटिंग से दूसरा चीज़ ये निकल के आया है कि एआईएफएफ का प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल हर आई लीग और आईएसएल के क्लब को इन्वाइट किया है, वेलकम किया है कि वो लोग भी अपना वुमेन टीम इंडियन वुमेन लीग में डाले। आप लोग देख सकते हो मुझे तो सिर्फ एक ही टीम के बारे में पता है जो कि आई लीग का क्लब है, गोकुलम केरला एफसी, उनका ही वुमेन टीम वुमेन लीग में मौजूद है। बाकी आईएसएल और आई लीग के क्लब का टीम शायद वुमेन लीग में मौजूद नहीं है। और इसी बात को ही देखते हुए प्रफुल्ल पटेल ने कहा है, हर टीम को इन्वाइट किया है कि आप लोग भी अपना वुमेन टीम हमारे लीग में डालिए, नहीं तो इंडिया में वुमेन फुटबॉल बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्लब आगे आता है और एक इनिशिएटिव लेता है इंडियन वुमेन फुटबॉल के लिए। और आप लोग भी अपना राय जरूर कहिए कमेंट में। मेरे हिसाब से तो भाई वुमेन फुटबॉल को अगर ग्रो करना है तो हर क्लब को इसमें जोर देना पड़ेगा। पहले इन्वेस्ट करिए, उसके बाद आप लोगों को प्रॉफिट जरूर होगा। हर देशों में भाई चलता है, इंडिया में क्यों नहीं चलेगा। तो जितना भी बड़ा बड़ा क्लब है उनको इस चीज़ में आगे आना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट और तीसरा जो चीज़ है वो है भाई के आईएसएल में 10 टीमों के साथ ही कंटिन्यू करने वाला है एआईएफएफ। 11 टीम जो ईस्ट बंगाल आने वाला था वो शायद एंट्री नहीं ले पाएगा। आपको पता है मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाकर इस चीज़ के बारे में पूरी अच्छी तरीके से डिटेल्स में डिस्कशन कर दिया था। आपको अगर पता नहीं है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा कि क्या क्या दिक्कत हो रहा है अगर 11 टीम अंदर आए आईएसएल में। तो देखिए पहला दिक्कत है कि कोरोना वायरस के चलते भाई आईएसएल कब स्टार्ट होगा वही डिसाइड नहीं हो पा रहा है। उसके बाद टाइम का प्रॉब्लम होगा अगर हर टीम को 27 मैच खेलना पड़े तो। और उसको ही देखते हुए भाई यहां पर एआईएफएफ शायद एएफसी के पास अपना रिक्वेस्ट भेजेगा और मुझे लग रहा है कि एएफसी भी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। उनको भी पता है कि किस तरीके से वर्ल्ड में इसका इफेक्ट पड़ा है कोरोना वायरस का। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि कब तक ये चीज़ कंफर्म होता है। और मुझे इसके बारे में अगर आगे चलकर कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन मैंने जो स्पेशल वीडियो बनाया था इस चीज़ के बारे में, उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो यही तीन मेन चीज़ भाई इस मीटिंग से हमें पता चला है। अब चलिए हम दूसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भाई हैदराबाद एफसी की तरफ से। तो हैदराबाद एफसी ने एक विदेशी खिलाड़ी के साथ अपना बातचीत शुरू किया है, रूमर्स निकल के आया है। उनका नाम है उर्को विराम, स्पेन से बिलोंग करता है, उम्र है 32 साल, 32 इयर्स ओल्ड और एज स्ट्राइकर वो खेलता है। तो उर्को के अगर क्लब करियर देखा जाए तो इन्होंने लालिगा में भी खेला है एसडी आइवर की तरफ से, उसके बाद एथलेटिक बिलबाओ की तरफ से खेला है, उसके बाद ज़्यादातर सेगुंडा डिवीजन में ही इन्होंने अपना परफॉर्मेंस करके दिखाया है। सेगुंडा डिवीजन के सेकेंड टायर में ज़्यादातर इन्होंने खेला है। इनका लास्ट क्लब था सीडी गुइजियलो जो कि सेगुंडा डिवीजन बी का क्लब है ग्रुप वन में। और इसके बाद अब हैदराबाद एफसी इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आगे चीज प्रोसेस होता है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि उतना ज़्यादा उम्दा खिलाड़ी होगा हैदराबाद एफसी के लिए। उर्को मिकू का अगर साइन कर पाता है हैदराबाद एफसी तो बहुत ही बेहतरीन होगा, लेकिन मिकू की तुलना में ये खिलाड़ी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि लो क्वालिटी का है। मैं बहुत ही ज़्यादा हार्श होकर बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भाई ज़्यादा वर्ड नहीं है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे आकर, कुछ भी अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आया है भाई मुंबई सिटी एफसी की तरफ से। तो मुंबई सिटी एफसी ने भी एक विदेशी खिलाड़ी के साथ फिर से अपना बातचीत शुरू किया है, जिनका नाम है जॉर्ज ओर्टिज मेंडोजा। ये भी स्पेन से बिलोंग करता है, उम्र है 28 साल, 28 ईयर्स ओल्ड, मेन पोजीशन है राइट विंग, उसके अलावा लेफ्ट विंग पर भी खेल सकता है। इन्होंने भी अपना ज़्यादातर परफॉर्मेंस सेगुंडा डिवीजन में ही किया है, अलबकेट बी की तरफ से खेला है, उसके बाद
अलकोरकॉन बी और उनके मेन टीम में भी खेला है। एथलेटिको माद्रिद बी की तरफ से भी खेला था 2018 में। उसके बाद इनका लास्ट क्लब था एथलेटिको बैलेडिस, सेकुंडा डिवीजन बी का ही क्लब है और अच्छा खासा खिलाड़ी है, उम्दा परफॉर्मेंस क्या है सेकुंडा डिवीजन में। एथलेटिको माद्रिद में भी अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, तो चलिए देखते हैं कि मुंबई सिटी इनको किस तरीके से आगे प्रोसेस करता है, और जब भी मुझे इसके बारे में कुछ नया अपडेट पता चलेगा आप लोगों को फिर से मैं बता दूंगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे ईस्ट बंगाल के बारे में। तो ईस्ट बंगाल की तरफ से दो ट्रांसफर अपडेट निकल के आया है। पहला है भाई कि ईस्ट बंगाल ने एटीके के रिजर्व टीम का खिलाड़ी अनिल चौहान के ऊपर अपना नज़र दिया है, उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, बातचीत भी चला रहा है। तो अनिल चौहान एक डिफेंडर है, उम्र है 21 साल 21 ईयर्स ओल्ड, तो एक यंग टैलेंट है, उनको अगर साइन कर पाता है तो अच्छा होगा, इनके लिए एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। मुझे लग रहा है कि ईस्ट बंगाल भी अपना रिजर्व टीम में इनको रखेगा। उसके बाद है भाई मिलन सिंह, जो कि नॉर्थ यूनाइटेड एफ सी की तरफ से इस सीजन में खेला था, उससे पहले मुंबई सिटी एफ सी की तरफ से खेल रहा था और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस करके दिखाया था मुंबई सिटी एफ सी की तरफ से। और इसके बाद लास्ट सीजन नॉर्थ यूनाइटेड एफ सी में आया और अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया था, और अब ईस्ट बंगाल ने उनके ऊपर नज़र दिया है और ऑलमोस्ट साइनिंग कन्फर्म हमें सुनाई दे रहा है। चलिए जब 100% मुझे कन्फर्मली पता चल जाएगा मैं आपको एक और बार इन्फॉर्म करूंगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपना यूथ कैरियर ईस्ट बंगाल की तरफ से ही खेला था मिलन सिंह, फिर से उनका कमबैक हो रहा है ईस्ट बंगाल में। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही अपडेट था, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।